देश में आलू किसानों का दर्द किसी से छुपा नहीं है। किसी तरह किसान आलू को लेकर चिंता की लकीर मस्तक पर लिए घूम रहे हैं, जिनके दर्द की कराहट शायद किसी के कानों से अछूती नहीं है। एक बार जरूर है कि बीजेपी नेताओं ने सरकार बनने से पहले चुनाव के समय मंच से प्रदेश के किसानों को फसलों के नुकसान को लेकर कुछ वायदे किए थे। वो अब शायद किसानों के लिए वायदे ही बनकर रह गए हैं, और यही वजह है कि इन किसानों के आंसू पोंछने के लिए विपक्ष बुरी तरह बीजेपी पर हावी है और बयानबाजी कर बीजेपी सरकार को घेरने की फिराक में है, जिसका एक नज़ारा विधानसभा के बाहर सपा के ही नेताओं ने आलू फिकवा कर किया था। और अब पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलों पर जाकर आलू किसानों के पक्ष में विरोध कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर तहसील में सपा जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की तादाद में सपाइयों ने धरना दिया। किसानों की मांग है कि बीजेपी सरकार अपने वायदे के अनुसार किसानों की आलू फसल का उचित मूल्य दे। सपाइयों का कहना है कि सपा हमेशा से ही किसानों की हितैषी रही है और रहेगी। बीजेपी ने तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसानों से वायदे करके सिर्फ वोट लेने का प्रलोभन दिया था। किसान के विरोध में काम कर रही आज किसान पूरी तरह भुखमरी कगार पे आ गया है। आलू का किसान पूरी तरह आत्महत्या करने के मजबूर है। आलू का जो कीमत लागत मूल्य होता है उसका चौथाई भी नहीं प्राप्त हो रहा है, और ये सरकार किसान हित में एक भी काम नहीं कर रही है जो किसानों को फायदा मिले।